प्रहलाद जी महाराज को जब हिरण्यकश्यप ने इस स्थिति में देखा तो उसे कुछ समझ में नहीं आई बात। अपनी बहन होलिका से उसने मदद मांगी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि तुम्हें अग्नि कभी जला नहीं पाएगी। होलिका से उसने मदद मांगी। होलिका ने कहा, भैया चिता की तैयारी करवाओ, लकड़ियों का ढेर इकट्ठा करवाओ, चिंता क्यों करते हो, एक क्षण लगेगा इस प्रहलाद को जला करके भस्म कर देंगे। अब आगे आपको सुनने को मिलेगा कि भगवान ने ही अग्नि का पान किया, और जो भगवान स्वयं अग्नि का पान करने वाले हों, भला बताओ ऐसे नारायण ऐसे श्री हरि के परम भक्त जिनको भागवत रत्न कहा जाता है, ऐसे प्रहलाद जी महाराज का अग्नि भी कुछ बिगाड़ सकती है क्या? होलिका अपनी गोद में लेकर के प्रहलाद जी को बैठी और सभी को लग रहा था कि प्रहलाद जी महाराज तो अब बस दो ही चार मिनट में सीताराम होने वाले हैं, लेकिन सभी के देखते देखते होलिका चिल्लाती चिल्लाती जल करके भस्म हो गई, राख हो गई, और प्रहलाद जी महाराज कैसे दिखते हैं? श्रीमन नारायण 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 सब देखते हैं कैसे प्रहलाद जी महाराज संकीर्तन करते हुए उसी लकड़ियों के ढेर के बीच में अगल बगल अग्नि देवता बढ़िया युवा का स्वरूप अग्नि देवता बड़ी तेज गति से महाराज बड़े प्रभाव को दिखाते हुए अपना स्वरूप दिखा रहे हैं, और उसी बीच में प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते हुए बैठे हैं। होलिका जलती हुई चिल्लाती है कि हे माँ, आपके द्वारा मुझे वरदान प्राप्त था कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती है, आज ये क्या देखना पड़ रहा है? माता जी ने कहा कि पुत्री, हमने तुझे वरदान दिया था कि तुझे अग्नि जलाएगी नहीं, लेकिन यह वरदान नहीं दिया था कि तू कभी भगवान के भक्त को भी जलाने का प्रयास करेगी तब भी तुझे अग्नि नहीं जला पाएगी। तूने आज भगवान के भक्त को जलाने का प्रयास किया है, इसलिए आज मेरा वरदान भी यहाँ पर निष्फल होता है, मेरा वरदान अब कुछ नहीं कर सकता है। माता जी ने बताया ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, ये हाई कोर्ट से अब काम नहीं चलने वाला है। आज मेरा वरदान तेरी एक भी रक्षा नहीं कर सकता है, तूने भगवान के भक्त को जलाने का प्रयास